और अब बात करते हैं ग्वालियर की, जहां 9 साल की बच्ची से रेप करने वाले आरोपी ने वारदात के बाद बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो दर्दनाक कहानी सामने आई वो रूह कपा देने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के चेहरे की 14, सिर की 6 यानी कुल 20 हड्डियां पूरी तरह से डैमेज मिली। नाक की हड्डी तो बची ही नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ जाहिर है कि दरिंदे ने एक नहीं कई बार बच्ची के चेहरे पर पत्थर पटका था। वहीं वारदात के बाद फरार आरोपी कल्ला पर इनामी राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। आरोपी बच्ची के पिता का रिश्तेदार बताया जाता है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें भी रवाना की गई हैं। कल्ला की तलाश में 10 से अधिक पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। शहर पड़ोसी राज्यों तक पुलिस की टीम उसकी छानबीन में जुटी हुई है। चूंकि आरोपी गांजा और स्मैक की तस्करी करता था, इसलिए पुलिस को आशंका है कि वो गांजा और स्मैक के अड्डों पर भी हो सकता है, जहां भी उसकी छापेमार तलाशी की जा रही है। आपको बता दें कि 9 साल की बच्ची जो कि 4थी क्लास की छात्रा थी, वो एक मजदूर की बेटी थी। घर के बाहर 12 साल के भाई के साथ खेल रही थी और परिजन घर से बाहर गए थे। लौटने के बाद परिजनों ने जब बच्ची के बारे में पूछा तो भाई ने बताया कि बहन को कल्ला बाबा लेकर गया है, जो कि आइसक्रीम दिलाने ले गया है, जिसके बाद मासूम नहीं लौटी। वहीं कल्ला के घर पहुंचने पर परिजनों को उसने बताया कि बच्ची आइसक्रीम और चॉकलेट लेकर चली गई थी, जहां परिजनों ने हजीरा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं मंगलवार सुबह मासूम की अर्धनग्न लाश घर से कुछ दूर यादव धर्मगाटा के नए ब्रिज के पास झाड़ियों में मिली। शव के पास ही खून से सना पत्थर भी मिला है। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने प्रदर्शन भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।